हेलो डियर स्टूडेंट्स आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज लाइट 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 एमिटिंग 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 डायोड 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 और इन शॉर्ट वी कैन से क्या है बेटा एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट सेमी कंडक्टेड डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में आपने होगा बेटा एक एलईडी लाइट उसमें क्या होता है आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो और लाइट उसमें से बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में अंडर द फॉरवर्ड बाइसिंग यहां पर बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर काम करती है हमारी एलईडी क्लियर है तो एलईडी क्या है एक ऐसा फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी अंडर द फॉरवर्ड बाइसिंग क्लियर है बेटा तो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने वाले हैं तो देखिए बेटा सबसे पहले ये है हमारे पास सिंबल ऑफ द एल द सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द क्लियर है तो देखिए बेटा सबसे पहले एलईडी डी एक सिंपल पी एन जंक्शन डायोड है जिसमें से लाइट बाहर निकलती है तो यहां पर ये एरो के साइन से हमने लाइट को बाहर निकलते हुए दिखाया गया सो दिस इज द सिंबल ऑफ द एल ई डी क्लियर है ये रहा सिंबल और ये इसका डायग्राम पी टाइप सेमी कनेक्टर एन टाइप सेमी पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया गया बीच में एक रेजिस्टेंस आर भी जोड़ा गया एक्स्ट्रा बस क्लियर है यहां पर एलईडी में लाइट बाहर निकलती है तो हमने ये लाइट को बाहर निकलते हुए शो की है क्लियर बेटा समझ में आया और ये है इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको ट्रांसपेरेंट शीट से कवर किया जाता है मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास से इसको कवर किया जाता है ट्रांसपेरेंट क्यों ताकि लाइट इसमें से बाहर निकल सके इसीलिए ट्रांसपेरेंट कवर इसके ऊपर लगाया जाता है डायोड के ऊपर क्लियर है जो इसमें अब कंस्ट्रक्शन को ही समझ रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर बनाई जाती है क्लियर है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस यहां पर मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगे होते हैं ताकि हम बैटरी को कनेक्ट कर सके एक यहां और एक यहां मेटेलिक कॉन्टेक्ट होते हैं ताकि बैटरी को कनेक्ट किया जा सके अब रेजिस्टेंस आर क्या काम करता है जो लाइट इसमें से बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस आर कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट थ्रू द एलईडी और ये रही हमारी वीआई आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में करेक्टर्स कुछ ऐसी ही होती है और <coughs> क्लियर अच्छा अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग जैसे ही हमने पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी के पॉजिटिव पी साइड को पॉजिटिव से एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई इसके अंदर जैसे ही इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होगी पी से होल जनरेट होंगे और एन से इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन लेयर को क्रॉस करेंगे मूवमेंट होगी इनके अंदर यहां से होल मूव करेंगे इस तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन और होल में मूवमेंट आई तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन कर जाते हैं क्या करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर आपस में जुड़ने लगेंगे रिकम्बाइन करेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है क्या रिलीज होती है बेटा एनर्जी और वो एनर्जी हमारी विजिबल लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाती है किसकी फॉर्म में बाहर आ जाती है बेटा विजिबल लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाती है और इसी तरह से हमारी एलईडी काम करती है देखिए पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हमने फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइस किया बैटरी बी की हेल्प से पी साइड से होल मूव करेंगे थ्रो द जंक्शन एन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रो द जंक्शन जब ये क्रॉस करेंगे यहां से तो इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकम्बाइन करते हैं रिकॉम्बिनेशन से कुछ एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हमारी विजिबल लाइट की फॉर्म में बाहर आएगी क्लियर हैबिट आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा तो चलिए जल्दी से पहले आप यहां तक नोट कीजिए फिर आगे भी है आगे और समझाएंगे पहले आपने नोट डाउन करना है एलईडी हेडिंग ये इसकी डेफिनेशन है फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पहले यहां तक नोट कीजिए बेटा जल्दी से क्लियर नोट कर लिया बेटा ओके okay. तो चलिए अब जल्दी से ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ये सिंबल सर्किट डायग्राम और ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए ठीक है बेटा नोट कर लिया आपने अब इसके बाद जल्दी से आप यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं ये हमारी टोटल अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है एलईडी की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने लिखा है नोट कीजिए ठीक है बेटा नोट कर लिया तो चलिए अब करते हैं इसकी वर्किंग तो अब बेटा आप वर्किंग नोट डाउन कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया डेपलिशन लेयर डिक्रीज होने लगी मेजोरिटी चार्ज कैर ने मूवमेंट की जब मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे जल्दी से नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके ठीक है बेटा नोट कर लिया नोट किया बेटा चलो अब मैं पेज को आगे मूव करवाता हूं अब आप यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा देखिए एनर्जी गैप है इजी तो जो एनर्जी लाइट की बाहर निकल रही है दैट इज ई इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा लेमडा यहां से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो एमिट हुई है बाहर वो वेव लेंथ ये रहेगी क्लियर बेटा यहां तक नोट किया आपने ओके okay? तो अच्छा आप देखिए आगे जो एलईडी को बनाने में जो सेमी कंडक्टर यूज होता है अगर हम पी एन जंक्शन डायोड को जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनाए तो यहां से जो ज्यादातर एनर्जी निकलती है बेटा इनमें से जब इलेक्ट्रॉन और होल जुड़ेंगे कुछ एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी बेटा विजिबल लाइट की फॉर्म में नहीं होती वो सारी की सारी थर्मल एनर्जी के रूप में चली जाती है किस में चली जाती है बेटा थर्मल एनर्जी के रूप में तो इसीलिए एलईडी को जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से नहीं बनाया जाता बिल्कुल भी क्लियर है ना क्योंकि इनसे जो लाइट निकलती है वो सारी थर्मल एनर्जी में चली जाती है लाइट की फॉर्म में विजिबल लाइट की फॉर्म में नहीं आती फिर उसके बाद कुछ पीएन जंक्शन डायोड जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड उसको भी आपने नोट कर लेना इससे पहले का ये जो भी है वीडियो को पोज करके क्लियर है <coughs> अच्छा अब देखिए कुछ पीएन जंक्शन डायोड जैसे गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फोस्फाइड गैलियम आर्सेनाइड फोसफाइड ठीक है इनमें लार्ज परसेंटेज होती है रिलीज एनर्जी की वो किस फॉर्म में होती है विजिबल लाइट की फॉर्म में इनमें जो मेनली लाइट निकलती है वो विजिबल लाइट की फॉर्म में ही निकलती है कौन सा सेमी कनेक्टर याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फोस्फाइड गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड फोसफाइड इनसे जो एनर्जी निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट सो जंक्शन बिकम द लाइट सोर्स जंक्शन से क्या मिलने लगता है हमें लाइट सोर्स मिलता है क्लियर है बेटा समझ में आया नोट कर लीजिए अच्छा अब इसके बाद जो कलर है लाइट का जो एमिट हुई है लाइट उसका कलर कहां पे डिपेंड करता है अपॉन द मटेरियल यूज्ड मतलब आपने कौन सा मटेरियल यूज किया एलईडी को बनाने में और उसमें एनर्जी बैंड गैप कितना था इस पर डिपेंड करता है कलर ऑफ द लाइट क्लियर है तो कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा एनर्जी बैंड गैप पर और मैटीरियल का नेचर कैसा है जैसे कि आर्सेनाइड की, से जो एलईडी लाइट बनाई जाएगी वो इंफ्रा रेड रेडिएशन बाहर निकालती है गैलियम फोस्फाइड से रेड कलर की या ग्रीन कलर की लाइट निकलती है गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड इससे रेड या येलो कलर की लाइट बाहर निकलती है क्लियर बेटा आई होप कि आपको समझ में आया होगा जल्दी से पहले यहां तक नोट कीजिए फिर उसके आगे भी समझते हैं तो बेटा देखिए जो रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारी जो एलईडी है वो लाइट को एमिट नहीं करती क्लियर है क्योंकि एलईडी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स बाइसिंग में एलईडी क्या हो जाएगी बेटा डिस्ट्रॉय व्हेन और जब फॉरवर्ड करंट स्मॉल होता है तब इंटेंसिटी लाइट की वो भी स्मॉल होती है फॉरवर्ड करंट स्मॉल था तो लाइट की इंटेंसिटी भी कैसी थी स्मॉल जैसे फॉरवर्ड करंट इंक्रीज हुआ लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी और वो बढ़ती चली जाएगी करंट बढ़ेगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट कम तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम बात समझ में आई है यहां तक नोट कर सकते हैं जल्दी से वीडियो को पोज करके यहां से यहां तक नोट कीजिए ठीक है बेटा नोट कर लिया अच्छा अब हम समझते हैं यूज और एडवांटेज ऑफ एलईडी देखिए जरा यूज क्या है बर्गलर अलार्म सिस्टम में इंफ्रा रेड लाइट का यूज किया जाता है ठीक है और जो कैलकु डिजिटल कैलकुलेटर होते हैं ना डिजिटल वॉच होती है घड़ियां होती हैं जो डिजिटल वॉच हाथ पे बांधने वाली उसमें जो एलईडी लाइट है वो, वो यूज की जाती है फॉर द मोमेरिकल डिस्प्ले जो डिस्प्ले होती है ना बेटा जहां पर नंबर शो होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेल्व वो उसमें एलईडी यूज की जाती है जो हमारी ट्रैफिक लाइट है उसमें भी एलईडी लाइट यूज करी जाती है रिमोट कंट्रोल में जो आगे एक लाइट जो आपका टीवी का रिमोट होता है ना उसके आगे एक बल्ब सा लगा होता है एलईडी बल्ब ठीक है वो एलईडी होती है हमारी ठीक है ऑप्टिकल माउस में कंप्यूटर में जो ऑप्टिकल माउस होता है उसमें एलईडी यूज होती है क्लियर फिर आता है बेटा एडवांटेज क्या है इस एलईडी लाइट की इट हैज लेस पावर कंजप्शन कम पावर कंज्यूम करती है एंड लो ऑपरेटिंग वोल्टेज इसको स्टार्ट होने में बहुत ही कम वोल्टेज लगती है कम वोल्टेज पर काम करती है और कम पावर ठीक है लाइट ज्यादा देती है और दूसरा हैज़ द फास्ट एक्शन इसका एक्शन जो है बहुत फास्ट है एकदम से लाइट एमिट करती है बल्ब से ज्यादा फास्ट एक्शन होता है हमारी एलईडी लाइट का फिर इट इज वेरी चीप एंड इजी टू हैंडल बहुत ही सस्ती होती है एलईडी लाइट क्लियर है बेटा और एक पॉइंट और लिख सकते हो आप इट हैज लॉन्ग लाइफ टाइम जो एलईडी है लाइट है उसकी लाइफ टाइम सिंपल कन्वेंशनल बल्ब से ज्यादा होती है सो इट्स लाइफ टाइम इज लॉन्ग क्लियर है बेटा तो चलिए यहां तक आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं आज के वीडियो में केवल इतना ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड अ नाइस डे